बचरा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की बैठक बचरा बाजार टाण स्थित दुर्गा मंडप परिसर में हुई, जिसकी अध्यक्षता पिपरवार क्षेत्र के महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल और संचालन धीरेन्द्र कुमार शर्मा ने की। बैठक में सर्वसम्मति से प्रत्येक वर्ष की भांति पूरे हर्षोल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। दुर्गा पूजा के अवसर पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से अष्टमी को भक्ति जागरण, नवमी को प्रतिभा सम्मान समारोह और दशमी को रावण दहन और रात्रि में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा कराने पर सहमति बनी। इसके साथ ही पूजा पंडाल परिसर में और मेला में सीसीटीवी कैमरा लगाने, जागरण और ऑर्केस्ट्रा का माधुरी केबल नेटवर्क पर सीधा प्रसार करने, आकर्षक पूजा पंडाल बनाने, पूजा पंडाल को आकर्षक ढंग से सजाने समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में पिपरवार क्षेत्र के महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल, विद्युत एवं यांत्रिक विभाग के जीएम आर एस सिंह, बचरा परियोजना पदाधिकारी विदास, सीएचपी परियोजना पदाधिकारी कामेश्वर सिंह, एसओपी डॉक्टर ए के सिंह, एसओसी सैयद बिलायतुल्ला, प्रोजेक्ट इंजीनियर अजय कुमार, भीम सिंह यादव, सतीश कुमार पांडे, किशोर कुमार, विनोद सिंह विधायक, राजेश सिंह यादव, संतोष कुमार गिरी, रविंद्र कुमार सिंह, प्रकाश राणा, उमेश कुमार सिंह, सोनू तिवारी, धीरेन्द्र कुमार शर्मा, कृष्णदेव कुमार, राजकुमार सिंह समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। दो चार आदमी अलग से रखना है, लाइट वेट कर देना पूरा बढ़िया से, जैसा ही लोग बोलता है कुछ एक्स्ट्रा कर देना है, एलईडी वगैरह से चंदा जो पिछले वर्ष था 350 वर्कमैन के लिए, E5 के स्कूटी तक जो है 800, E6 एंड एवर 1200। आज बड़ा हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हम लोग दुर्गा मंडप बाजार टाण में हमारे सभी स्टाफ अफसर्स, हमारे श्रमिक संघ के माननीय प्रतिनिधिगण, बाजार टाण बचड़ा की आम जनता, पत्रकार बंधु सभी यहाँ एक अच्छे माहौल में आने वाले दुर्गा पूजा के संदर्भ में कैसे कैसे रूपरेखा बने, जो वर्षों से इस बाजार टाण की शोभा है और बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम इसमें होते हैं आम जनता को इंटरटेनमेंट का। चूँकि हम लोगों को मालूम है कि हम लोग आजकल जो बचरा या पिपरवार क्षेत्र में रहते हैं, बड़ा ही एक तरह से चहल पहल की दुनिया से दूर है, और आम जनता, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, ग्रामीण, रैयत सबको एक इंतज़ार रहता है कि यहाँ बाजार टाण में दुर्गा पूजा अच्छे ढंग से हो, और ख़ास करके उस दौरान अष्टमी, नौमी, दसवीं में एक अच्छा प्रोग्राम, कार्यक्रम हो, जिससे कि आम जनता को एक इंटरटेनमेंट का सामूहिक रूप से सुअवसर मिले। इसी के तहत हम लोगों ने बिजली बत्ती, यहाँ सुरक्षा, फायर टेंडर, फर्स्ट एड और जो हर साल जिस तरह से प्रोग्राम होता है, उसके अतिरिक्त इस वर्ष हम लोगों ने, जो कि पूर्व के वर्षों में दो ही प्रोग्राम होते थे अष्टमी, नौमी और दसवीं में, उसमें हम लोगों ने सबके सहमति से बड़ा अच्छे ढंग से तीन प्रोग्राम करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। और वह तीन प्रोग्राम अभी तक जो निर्णय लिया गया, उसमें अष्टमी के दिन एक अच्छा जागरण का प्रोग्राम, नौमी के दिन, क्योंकि इस बार हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आम प्रतिभा यानी प्रतिभा सम्मान समारोह, हमारे जो लोकल आसपास के बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, और हम लोग देखते हैं कि खिलाड़ी गॉड टैलेंट है, राय के हैं, यहाँ के बच्चे हैं, हमारे अपने श्रमिक डंपर ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन ये जो प्रोग्राम करते हैं सब मिल करके 9-7 तारीख को एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे, जो लोकल के द्वारा यहाँ रहेगा हम लोग के द्वारा, और दसवीं के दिन एक अच्छा ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करने का निर्णय लिया तो, और दसवीं को विजयादशमी के दिन रावण दहन का
प्रोग्राम होगा, तो मैं सभी लोगों से, अपने यहाँ उपस्थित लोगों से आग्रह करूँगा कि अभी से जुट जाएं और जुट करके एक अच्छा दुर्गा पूजा सदा की भांति और उससे अच्छे ढंग से मनाने में अपना सहयोग दें। इसमें आप मीडिया कर्मियों का भी बड़ा इसमें योगदान है कि इसको अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित किया जाए, कि खूब जनता यहाँ इकट्ठा हो और खूब प्रेम से भगवान पूजा दुर्गा की पूजा हो और जो प्रोग्राम, तीनों प्रोग्राम होंगे उसका खूब आनंद उठाएँ। धन्यवाद।